नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? सुंडाना से आए हैं जी। क्या समस्या थी जिसको लेकर श्री गोविंद धाम पहुँचे जी? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्या जी मेरे फादर इन लॉ में थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको बाथरूम की थैली लगी हुई थी और बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, बस अब लास्ट टाइम था उनका ऐसा लगता था। फिर किसी ने हमको बताया तो हम यहाँ पे आए थे, गुरुजियों ने देखते उनके बताया इनके तो भाई टाइम बिल्कुल 2 या 4 दिन ही बच रहे हैं, फिर मेरी जीवन ही नहीं बचा। हाँ जी बिल्कुल ही। तो और जी यही बात नहीं थी, उनकी कंडीशन भी ऐसी थी बिल्कुल ही। तो उसके मेरी सास ने गुरुजियों को बोला कि भई हम तो अब आपके हवाले हैं, देख के उन बोला हम तो आपके चरणों में ले रहे इनको, कम से कम भी बोला गुरुजी कुछ तो टाइम दो, 4 या 5 साल तक कि कुछ तो अपना टाइम निकाले ये और अच्छे से निकाले। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, ऐसे बोल के बोला भगवान का नाम लो आप, परमात्मा रटो। उसके बाद मेरे ससुर कम से कम भी 5 साल तक जिए, समस्या हल्की फुल्की रही लेकिन वो अपना 5 साल का टाइम अच्छे से बिता गए। ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई भी आदमी नियर टू डेथ है कि वो मृत्यु शैया पे है और उसको 4-5 साल का जीवन दान देना जी। तो उसके लिए ऐसा क्या रहा, ऐसी कौन सी शक्ति रहेगी कि गुरुजियों ने 4 से 5 साल का उनको जीवन दान दे दिया? ये शक्ति तो जी गुरुजियों की थी, उनकी जो भी है योग क्रिया है परमात्मा का उनका रटना है, वो जितना भी वो कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ परमात्मा का ही नाम बताया गया था जी। इसके अलावा कुछ भी कोई रखना धरना कोई भी मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं था। और आज के दिन मेरी पूरी फैमिली हम सभी गुरुजियों से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर इन लॉ सब हम गुरुजियों से ही जुड़े हुए हैं। ये एक चमत्कारिक चीज़ है कि भाई 4-5 साल का जीवन मिलना और फिर आप सभी गुरुजियों से जुड़ गए हैं, क्योंकि इसमें एक विश्वास बन जाता है कि हम देखते हैं ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि आदमी जाने को तैयार है, नियर टू डेथ है, मृत्यु शैया पे और उसको 4-5 साल का जीवन दान मिलना और वो भी इसमें कोई भी बीमारी ना होना। तो उसके लिए आप लोगों से क्या कोई प्रक्रिया करवाई गई या आप लोगों से क्या योगदान लिया गया? जी हमारे से कुछ भी नहीं लिया गया, हमें सिर्फ परमात्मा रटना ही बताया था। और मेरी पूरी फैमिली गुरुजियों का नाम लेती है, हम परमात्मा का नाम लेते हैं और हम इन्हीं पे विश्वास करते हैं। अब हमारे घर में कोई चाहे नई चीज आए, चाहे हम कोई नया काम करें, हम बगैर गुरुजियों से आशीर्वाद बगैर कुछ नहीं करते जी। हमें तो बस इन्हीं पे विश्वास है। कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ आते हुए? जी मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल में गुरुजियों का व्यक्तित्व कैसा देखा आप लोगों ने, इनका व्यवहार कैसा है, किस तरह का व्यक्तित्व है? गुरुजी जी आत्मा पढ़ते हैं, आत्मा देखते हैं, उनको आत्मा से ही लगाव है, वो सभी को एक ही उससे देखते हैं और सिर्फ राम का नाम ही बताते हैं। और इसके अलावा न गुरुजियों में और सबके लिए सम्मान, सबके लिए सम्मान, न वो मतलब बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, सिर्फ वो आत्मा देखते हैं, आत्मा से ही वो एक आत्मा सभी को देखते हैं और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वो ये चीजें वो सभी को बताते हैं राम का ही नाम। और इसके तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्री गोविंद धाम के बारे में और गुरु रणदीप जी के बारे में? गुरु रणदीप जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम संतुष्ट हैं, भाई सभी आके एक बार अपने मन से जरूर संतुष्ट होके देखें, मैं तो यही कहूंगी। और यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ एक भगवान का इनाम जो कि हमारे इधर भी और हमारे मरने के उपरांत भी, ये तो हर जगह ही हमारे काम आएगा जी। तो जो आदमी हमें ऐसा वो करते हैं तो वो एक भगवान का ही रूप है, हमारा परिवार पूरा उनको उसी नजर से देखता है जी। और मैं तो यही कहूंगी भाई सभी एक बार आओ और आके अपनी संतुष्टि जरूर करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।